हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो स्वागत है आपका मेक और प्रोडक्ट में, जहाँ आपको नए नए प्रोडक्ट के रिव्यू देखने को मिलते हैं। तो आज हम रिव्यू करने वाले हैं एलेटिन के न्यूड लिपस्टिक का। एक्चुअली रिव्यू मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ और मैं बता भी चुकी हूँ कि ये कितने आर्स तक लास्ट करते हैं और कितना ML है, कितनी MRP है। फिर भी मैं ये वीडियो में रिपीट कर दूँगी, बट मैं आज स्पेशली न्यूड शेड के लिए वीडियो बना रही हूँ। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनने वाली, क्योंकि इसमें के जो 3 शेड है ना वो ही न्यूड है। ये लैक्मे की न्यूड है और ये एलेटिन की ब्राउन लग रही है मुझे, पर उन्होंने लिखा है न्यूड, मतलब नाम न्यूड है, तो इसलिए मैंने उसे ऐड किया। वैसे तो 3 शेड ही प्रॉपर न्यूड और बोलते हैं ना वैसी है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, मैं सब कुछ बताने वाली हूँ एलेटिन के शेड के बारे में और लैक्मे के भी बारे में बताऊँगी जो भी है। तो चले मैं स्टार्ट करती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको लैक्मे की न्यूड बता देती हूँ। ये प्रॉपर न्यूड शेड है उनकी और लगाने के बाद एक नंबर दिखती है। तो इसकी MRP है 320 रुपीज़ और ये फॉरेवर मैट में जो आया था ना उसमें ये शेड आता है न्यूड हुई करके, इसका नंबर है 27। तो ये लगाने के बाद काफ़ी अच्छा वाला न्यूड है, ये लगाने के बाद ज़्यादा दिखता नहीं है और हल्का सा आपको सिर्फ आपके लिप्स को पिंकिश लुक देता है, पर लगाने के बाद मतलब कैमरे में कैसा दिख रहा है पता नहीं, बट यहाँ पर न्यूड है प्रॉपर। ये थोड़ा सा पिंकिश और न्यूड के साइड में, प्रॉपर भी न्यूड नहीं है, बट लगाने के बाद ये काफ़ी अच्छा दिखता है। तो ये आप देख सकते हैं। तो ये लैक्मे का फर्स्ट हो गया। अब ये वाला है जो ये है एलेटिन का न्यूड पम्प्स करके B93। तो एलेटिन के लिक्विड लिपस्टिक की जो MRP है वो बढ़ चुकी है, वो हो चुकी है 135 रुपीज़। ये अभी न्यूड मतलब मैं बता रही हूँ न्यू स्टॉक आया है उसका जो भी MRP था 120 रुपीज़, वो अभी ज़्यादा हो गया, 135 रुपीज़ हो गया है। तो आप खरीदते टाइम ही खरीदना। और पैकेजिंग ऐसे खोलने से क्या होता है पता है, एक्सपायरी डेट इस पर ही रहती है, क्योंकि बहुत से लोग ये निकाल देते हैं तो फिर एक्सपायरी इस पर से निकल जाती है। इसलिए कभी भी ध्यान रखें कि एक्सपायरी इस पर से ना निकले और ये ऐसा ही रहे स्टिकर। तो ये बारकोड भी होता है, ओरिजिनलिटी की पहचान होती है वो। तो ये मैं आपको एलेटिन की फिर से बताने जा रही हूँ न्यूड पम्प्स। ये है 135 रुपीज़ की, 135 में ही आपको आती है 5 ml, तो काफ़ी है इतनी। तो ये मुझे न्यूड के बजाय पिंकिश ज़्यादा लग रही है, बट ये न्यूड ऐसा उन्होंने लिखा है और लगाने के बाद काफ़ी अच्छी दिखती है। तो डेफिनेटली आप ट्राई कर सकते हैं, करिए। किसी भी एंगल से मुझे न्यूड नहीं लग रही, ये जो पिंक आती है ना वैसी लग रही है। तो नेक्स्ट हम शेड देखने वाले हैं B92 टाउनी ऊड। ये भी शेड बहुत चलती है उनकी। तो इस पे फिर से MRP है 120 रुपीज़। तो आप न्यू स्टॉक में की 135 रुपीज़ की और 120 रुपीज़ की ले सकते हैं, बट आप एक्सपायरी चेक करके ले लें, कहीं से भी ले, तो आप शॉप से ले, ऑनलाइन ले, आपको एक्सपायरी चेक करनी। ये प्रॉपर न्यूड शेड है। तो आपको कैमरे में कैसे दिख रहा है मुझे नहीं पता, बट ये प्रॉपर न्यूड शेड है और लगाने के बाद काफ़ी अच्छा दिखेगा। ये हमारे इंडियन स्किन टोन में किसी भी शेड में चले जाएगा, मतलब विटिश टू डस्की, फेयर विटिश डस्की, तीनों शेड में चले जाएगा। तो लास्ट मेरे को आपको बताने की है ये एलेटिन की, ये है, ये भी एक न्यूड है, ये फ्लटरिंग न्यूड है, B90 नंबर है इसका।
ये भी काफी अच्छा शेड है। तो ये आप देख सकते हैं ऐसा है थोड़ा सा, ये पीच है, ये आप देख सकते हैं कि ये पीच शेड है। तो ये इन्होंने न्यूड तो लिखा है बट न्यूड को अलग अलग हिस्से में डिवाइड कर दिया है, किसका ब्राउन न्यूड है, किसका पिंक न्यूड है, ऐसा है। ये तो पूरा ही ब्राउन है, फिर भी मैं आपको इसको खोल के बताऊंगी। और इसका इसका नाम है नटी लाटे 091। ये मैं आपको बता दूँ बहुत फेमस शेड है लिक्विड मैट में, मैट के लिपस्टिक की। तो ये मैं आपको खोल के बता देती हूँ, बहुत से लोगों की ये फेवरेट शेड है इसमें की। फिर से मैं एक ही बात रिपीट करूँ, बट तो ये आप देख सकते हैं ये ब्राउन ही दिख रहा है लगाने के पहले ही, हाँ। बट ये बहुत ही अच्छा शेड है, ये मस्त वाला शेड है। तो ये मैंने आपको 5 शेड बताए, एलिटिन के 4 थे और एक लैक्मे की थी न्यूड शेड में। तो ये आप देख सकते हैं ये फर्स्ट वन है वो ड्राई हो चुकी है, वो मैंने आपको बताई थी लैक्मे की, काफ़ी सुंदर दिख रही है। कैमरे में जैसी शेड दिखाई दे रही है अभी आपको प्रॉपर वैसी ही शेड है वो। तो ये हमारे सारे इंडियन स्किन टोन पे जाने वाले शेड्स है, बस ये फर्स्ट वन जो मैंने बताई थी एलेटिन की वो हमारे इंडियन स्किन टोन पे नहीं जाएंगी, ये बहुत ब्राइट दिखेगी। अगर आप बहुत ज़्यादा फेयर है तो डेफिनेटली ये वाली शेड आपको चली जाएगी, और आपके लिप्स पिगमेंटेड नहीं है तो ये वाली शेड भी आपको चली जाएगी। और तो ये था आज का वीडियो, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना ऐसी और वीडियो देखने के लिए।